सो है गाइस, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस बाइक के ऊपर ही वीडियो है। आप बोल सकते हो ये जो बाइक आप देख रहे हो ये न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एंड ये जो कलर आप गाइस देख रहे हो ये नॉन कस्टमाइज वाला कलर है। इसके साथ ही कस्टमाइज वाला कलर का डिफरेंस क्या कुछ है वो आपको बताने जा रहा हूँ। एंड ये जो कलर आप देख रहे हो गाइस ये डैपर व्हाइट कलर का बाइक है, यहाँ पर देख सकते हो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो कस्टमाइज वाला कलर है जैसे कि आप बोल सकते हो रॉयल ब्लू, उसके साथ कंपेयर करूँगा एंड कितना कुछ मतलब क्या कुछ डिफरेंस है वो आपको बताऊंगा। लगभग बोल सकते हो प्राइस में तो पहले डिफरेंस है, इसमें लगभग 5500 रुपीस का लगभग डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा दोनों बाइक के साथ अगर कंपेयर करा जाए तो। यहाँ पर देख सकते हो रेबल ब्लू भी है शोरूम पर एंड रेबल ब्लू कैसा लग रहा है वो भी आप गाइस चेकआउट कर सकते हो। आपको डैपर व्हाइट दिखा दिया हूँ, डैपर व्हाइट का जो प्राइस है लगभग 1,91,800 रुपीज़ एंड जो ये रेबल ब्लू कलर आप गाइस देख रहे हो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग आपको पड़ेगा 1,97,350 या फिर 45 रुपीज़ आपको पड़ेगा। लगभग आप बोल सकते हो 5,500 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों बाइक में। क्या कुछ डिफरेंस है वो भी आपको बता देता हूँ बाइक में क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा टैंक पर आप देख सकते हो इसका जो कलर है ये कस्टमाइज कलर है गाइस। टैंक पर आप देख सकते हो रेबल ब्लू जो है मतलब ब्लू एंड व्हाइट कलर का मिक्सर करके एंड अच्छे से मतलब लुक दे रखा है काफ़ी। एंड जो डैपर व्हाइट में है, डैपर व्हाइट में सिंपल सा व्हाइट कलर का मतलब टैंक है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमाइज करके टैंक को बनाया है रॉयल एनफील्ड कंपनी वालों ने, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके लिए भी प्राइस ज़्यादा मतलब हो रहा है जो डैपर व्हाइट कलर के साथ अगर कंपेयर करा जाए तो। सो डैपर व्हाइट का भी आप टैंक देख सकते हो पूरा व्हाइट है एंड यहाँ पर देख सकते हो हंटर लिखा हुआ है। डैपर व्हाइट का टैंक पे आप देख सकते हो सिर्फ राइट लिखा हुआ है एंड उधर साइड पे प्योर लिखा हुआ है एंड रॉयल एनफील्ड का बैजिंग दिया हुआ है। सो बस नहीं तो पूरा व्हाइट है, ग्लॉजी व्हाइट में है, ये भी काफ़ी अच्छा है बट उसमें कस्टमाइज कलर है उसके वजह से तो मतलब थोड़ा उसका कॉस्ट भी ज़्यादा ही पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड ये तो डिफरेंस गया एक नंबर एंड नंबर दो जो डिफरेंस है वो है इस बाइक का ब्रेक। ब्रेक मैं पहले सोचा था कि हर बाइक का ही एक है या फिर बाई ब्रेक का कुछ बाइक में दे रहा है या फिर कुछ बाइक में नहीं दे रहा है क्योंकि बाहर का कंट्री में ऐसा ही दिखने को मेरे को मिला था बट इंडिया पे ऐसा नहीं है। इंडिया पे डैपर मतलब नॉन कस्टमाइज वाला जो कलर है जो बाइक है उस बाइक में आपको जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है ऐसे नॉर्मल कंपनी का मतलब जो कंपनी का ब्रेक है वो ऐसे नॉर्मल कंपनी का है आई थिंक। एंड जो रेबल ब्लू है जो कस्टमाइज वाला कलर है जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है आपको बताया हूँ डैपर व्हाइट से लगभग 5,500 रुपीज़ ज़्यादा है, उसका जो ब्रेक है वो बाइब्रिक कंपनी का ब्रेक दे रहा है कंपनी वालों ने। पहले मैं सोचा था कि मतलब दोनों बाइक का जो ब्रेक का जो कंपनी है मतलब कैलिपर का वो सेम है बट अभी मैं अच्छे से सर्च करके देखा हूँ कि इसमें डैपर व्हाइट में आपको नॉर्मल सा मतलब नॉर्मल कौन सा कंपनी का ब्रेक है मेरे को नहीं पता बट नॉर्मल सा ब्रेक इसमें दे रखा है मतलब जो कैलिपर है उसमें नहीं लिखा हुआ है कुछ भी नाम। एंड जो कस्टमाइज वाला कलर है उसमें लिखा हुआ है बाइब्रिक मतलब बाइब्रिक कंपनी का ब्रेक है सो उसके वजह से वो ऑफर लिखा हुआ है बाइब्रिक। सो वो भी आपको बता दिया हूँ व्हाइट कलर में एंड पीछे पे भी अगर आप देखोगे तो व्हाइट कलर का एक मतलब एक सिम्बॉल जैसा दे रखा है आई थिंक बाइब्रिक का ही है वो सिम्बॉल सो उसके वजह से वो ऑफर दे रखा है। तो अभी तो मतलब डाउट क्लियर हो गया था मतलब एक दो बंदे को मैं कमेंट भी किया था कि ये चीज़ नहीं है मतलब दोनों बाइक में ही सेम ब्रेक है बट ये नहीं है भाई, जो कस्टमाइज वाला कलर है उसमें आपको बाइब्रिक का ब्रेक मिलेगा एंड जो नॉन कस्टमाइज वाला जैसे कि आप देख रहे हो डैपर व्हाइट इसमें आपको नॉर्मल सा जो कंपनी का आता है वो ब्रेक मिलेगा। सो गाइस बस यही दो तीन आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों बाइक के साथ अगर कंपेयर करा जाए तो, डिफरेंस आपको बता दिया हूँ बस। अभी डाउट तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो क्लियर हो गया आई थिंक। एंड इस बाइक के ऊपर कुछ भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो एंड डैपर व्हाइट कलर का जो बाइक आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा ही बाइक है मतलब जिस टाइम मैं खरीदने के लिए गया था उस टाइम ही ये वीडियो शूट करके आ गया था बट नहीं डाल पाया था, अभी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। सो बस यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना माई चैनल पर। सो बाय, हैव ए गुड डे बॉयज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।